राम मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। अयोध्या में चल रही बैठक में यह फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते पहले से पूजा शुरू होगी। बता दें, राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। वहीं गर्भगृह पहले से ही बन चुका है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और अयोध्या में राम मंदिर के प्रस्तावित उद्घाटन से पहले विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में करीब 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने की योजना भी बनाई है। अब आपको बताएंगे राम मंदिर का निर्माण कब होगा पूरा, क्या है इसकी तैयारियां। बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। मंदिर का प्रथम तल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर के उद्घाटन के बाद मंदिर को सभी भक्तों के लिए हमेशा के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्य पुजारी सतेंद्र दास ने बताया कि मंदिर में 42 दरवाजे लगाए जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में सोने का एक छोटा सा दरवाजा भी लगाया जाएगा। मंदिर के दरवाजे पर मोर कलश, चक्र और फूल की नक्काशी उतारी जाएगी। गर्भगृह में भगवान राम की 2 बाल स्वरूप की मूर्तियां लगी होंगी। इनमें एक मूर्ति चल तो दूसरी अचल होगी। गर्भगृह की दीवारों पर सफेद मार्बल लगेगा। तैयारी तो 15 से शुरू हो जाएगा और 24 तक चलेगा। बीच में जब प्रधानमंत्री कार्यालय से जब तक उनके आने की सूचना नहीं मिलती कि किस दिन आएंगे, किस दिन उद्घाटन इसका करेंगे, तो तब तक निश्चित नहीं है। यदि संभावना है कि 21 और 22 तो वही समझें, 21-22 तक वह प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और उसी में चाहे 21 को या 22 को यह कार्य संपन्न होगा, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि सारे जितने भी उद्घाटन का और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है, समाप्ति उसका, वह प्रधानमंत्री कार्यालय पर ही निर्भर है और उनके आगमन पर निर्भर है। जिस दिन उनको मिलेगा समय तो उस दिन वो आएंगे। यदि 21-22 को आते हैं तो सभी लोग समझ लो कि 22 को ही प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी दिन उसका भगवान रामलला स्थापित होंगे भव्य मंदिर में और दर्शन का लाभ सभी भक्तों को मिलेगा। साधु संतों को भी इसमें न्योता दिया जाएगा। इससे पहले चंपत राय कह चुके हैं कि ट्रस्ट अयोध्या के सभी प्रमुख मठों के संतों को भी न्योता भेजेगा। 25,000 संत उन 10,000 खास मेहमानों से अलग होंगे जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। चंपत राय के मुताबिक ट्रस्ट उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। चंपत राय के मुताबिक दिसंबर महीने तक अयोध्या के राम मंदिर को फाइनल टच दिया जाएगा। रामलला की प्रतिमा कर्नाटक के मैसूर से लाए गए पत्थरों से तैयार की जा रही है। राजस्थान के मकराना के मार्बल से भी रामलला की एक अन्य मूर्ति को बनाया जा रहा है।